देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड इट्स वेरी गुड टू सी यू व्यूअर्स टुनाइट ऑन भारत एट नाइन। दर्शकों, आपने कहा था कि प्रियदर्शनी का इंटरव्यू करो, लेकिन बड़ी खबर यह है कि वो फरार हो गई। उन्होंने मेरा नाम सुनते ही इंटरव्यू देने से मना कर दिया है, लेकिन विद अ सरप्राइज व्यूअर्स, मैं उनसे बात करके रहूंगा और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल इस फाइटिंग रोबोट को लेस हाइपर मोड पर एक्टिवेट कर दूं। बाकी जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनके लिए, दर्शकों, लखनऊ में एक महिला है जो इस दुनिया की होकर भी इस दुनिया की नहीं। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में है जहां उसके दुश्मन हैं, लोग उसको किडनैप करना चाहते हैं, लोग उसको मारना चाहते हैं, जिनको ना तो वो जानती है ना उनको कभी देखा है, और वो लोग इस इमेजिनरी दुनिया में इस महिला पर कई बार हमला भी कर चुके हैं। और दोस्तों, इनकी दुनिया में काली दीवारों वाले घर पर विदेशी ड्रोन हमला करते हैं। मुझको नहीं पता ये कौन सी दुनिया है, और प्रियदर्शनी की ये सब बकवास टॉलरेट भी की जा सकती थी जब तक ये जोक मारने या फन के लिए, मीम के लिए, कॉमेडी के लिए इस्तेमाल की। मैं इस महिला को फनी मानता हूं। आई फाइंड दिस वुमेन फनी बिकॉज आई थिंक शी इज फनी। लेकिन दर्शकों, लखनऊ के अवध चौराहे, उस लाल बत्ती के नीचे, ट्रैफिक पुलिस के सामने, भरी जनता के बीच रास्ता पार करते करते लखनऊ की प्रियदर्शनी अपनी सीमाएं पार कर, उसको अपनी इमेजिनरी दुनिया में ऐसा लगा कि एक कैब ड्राइवर उसको जान से मारने के लिए आ रहा है, और बस रोबोटिक स्टाइल में व्यूअर्स, इस महिला ने उस कैब ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। एंड दिस इज सीरियस एंड दिस इज डेंजरस, क्योंकि अगर उस गरीब कैब ड्राइवर को बचाने कोई नहीं आता तो ये उसको जान से भी मार सकता। अब आप सोचिए कितना गंभीर मुद्दा है। आप सामान्य रूप से कहीं जा रहे हो और ऐसी महिला आपको अचानक से, सडनली कहीं से आ जाए और आपको मारने लगे, सोच। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि अंग्रेजी में भी इस मुद्दे पर थोड़ी बात किया करो, तो उनके लिए व्यूअर्स, दिस वुमेन हु हैज लॉस्ट व्हाट स्लाइट ऑफ अ मेंटल बैलेंस लेफ्ट इज नॉट फनी एनीमोर। शी इज सो सेंसलेस, सो शैलो, सो अनकूथ, सो इलॉजिकल, शी इज सो एम्बैरेसिंग व्हेन शी ओपन्स हर माउथ। Sometimes back viewers, this woman beaten a cab driver, Saadat Ali, who was driving back to his home, following all the rules and regulations. But this woman in an imaginary world felt something else and slapped him 22 times. If anyone supports her, then the only thing I can say to them that they are drunk Priyadarshini supporters. Now viewers, this woman who thinks that black paint outside homes will invite international drones, is giving lectures on TV. I want to say this to Priyadarshini tonight, that no black paints outside homes are not a threat. Saadat Ali, who was not doing anything which is threat, but Priyadarshini, you are. And I have a question for you, that why should not police arrest you for each and every slap you made on Saadat Ali? Priyadarshini, you have a basic problem, and this is high time that authorities should teach you a lesson. और दर्शकों, मुझको समझ नहीं आता पुलिस कर क्या रही, मुकदमा नहीं लिख रही है, देश का मूड देखा तब जाकर FIR लिखी, अब अरेस्ट करने से क्यों डर रही है? पूछताछ के लिए बुला रही है, मिनरल वाटर पिला रही है, ऐसा लगता है मानो प्रियदर्शनी किसी गेस्ट बनकर कहीं आई हुई है। मुझको समझ नहीं आता, सारे सबूत हैं फिर भी गिरफ्तारी में देरी क्यों? क्यों डर रही है लखनऊ पुलिस? आखिर क्या प्रेशर है पुलिस पर? प्रियदर्शनी घर पर नहीं है, लेकिन उसका फोन ऑन है और आसानी से उसको ढूंढा जा सकता है। अगर नहीं हो पा रहा हो तो हमको बताइएगा, पुलिस, लखनऊ पुलिस, मैं वादा करता हूं कि हमारी टीम 1 घंटे में उसकी लोकेशन का पता कर लेगी। और हां, कुछ लोगों का कहना है कि वो महिला है, ऐसे बात नहीं की जानी चाहिए, थोड़ी रिस्पेक्ट रखिए। तो मैं एक बात बिल्कुल साफ करता हूं, मैं कोई राइट लेफ्ट लॉलीपॉप पत्रकार नहीं हूं। आज तक किसी से सुई नहीं ली है, तो किसी से कोई डर नहीं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन। और मैं महिला या पुरुष देखकर इज्जत नहीं करता, मैं इंसान देखकर इज्जत करता हूं। और हां,
दिस इज नॉट वीमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म इन एनी फॉर्म, दिस इज फिल्थ। व्यूअर्स, वी हैव मीराबाई चानू हु ब्रिंग ग्लोरी टू आवर कंट्री। व्यूअर्स, वी हैव पीवी सिंधु हु ब्रॉट प्राइड टू माय कंट्री। व्यूअर्स, वी हैव काउंटलेस वुमेन हु एडेड इन ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। व्यूअर्स, वी आर प्राउड ऑफ देम एंड अशेम्ड ऑफ यू। प्रियदर्शी, व्यूअर्स, वी आर प्राउड ऑफ मीराबाई चानू एंड वी आर अशेम्ड ऑफ प्रियदर्शी। गो एंड गेट अरेस्टेड प्रियदर्शी, कम आउट बींग अ नॉर्मल ह्यूमन बींग। प्रियदर्शनी, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, भागिए मत, जेल जाइए, सुधर कर वापस आइए, हम आपके सुधरने की प्रार्थना करेंगे। बाकी क्या कुछ किया है प्रियदर्शनी ने जिनको नहीं पता, वो इस रिपोर्ट। लखनऊ में कृष्णनगर के अवध चौराहे पर एक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। युवती ने उबर कैब ड्राइवर को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और उसका फोन भी तोड़ दिया। लगभग आधे घंटे तक बीच चौराहे पर युवती का ड्रामा चलता रहा और युवती और ड्राइवर को थप्पड़ मारती रही। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट लखनऊ गर्ल ट्रेंड करने लगा। मेघ अपडेट नाम के एक हैंडल ने सबसे पहले वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, वायरल वीडियो, अवध क्रॉसिंग लखनऊ यूपी में एक लड़की लगातार कार ड्राइवर को पीट रही है और उसका फोन भी तोड़ दिया। कैब ड्राइवर को बचाने के लिए आए एक व्यक्ति ने जब लड़की को ड्राइवर पीटने से रोका तो उसने उसको भी पीटा। यह पूछे जाने पर कि वह कैब ड्राइवर को क्यों पीट रही, लड़की कहती है कि उसकी कार ने उसे टक्कर मारी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे युवती कैब ड्राइवर को इधर से उधर घसीटते हुए थप्पड़ मार रही है। बीच चौराहे पर तमाशा हो रहा है, कुछ लोग युवक को बचाने का प्रयास करते हैं तो युवती उन्हें भी चिल्लाती है। हैरान करने वाली बात यह रही कि इस दौरान वहां मौजूद एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी मामले को सुलझाने की बजाय दोनों को साइड करते दिखा। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने पुलिसकर्मियों के सामने ड्राइवर को पीटने पर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल अवध चौराहे के पास इस युवती से कार टच हो गई थी, जिसके चलते उसने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया। बीच चौराहे पर युवती ने कार चालक को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। कैब ड्राइवर का नाम सादत अली बताया जा रहा है। पुलिस के सामने मारपीट करने के साथ ही युवती ने कैब ड्राइवर का फोन भी तोड़ दिया। इस मामले में डीसीपी सेंट्रल ख्याति गर्ग का कहना है कि अब तक कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन सवाल उठता है कि हम किस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर पैट्रियार्की, मेल शोविनिज्म जैसी बातें होती हैं लेकिन कभी भी मेंस राइट की बातें नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो दर्शकों, मुझको नहीं पता कि इस खबर को लेकर वो बहस क्यों नहीं हो रही जैसी होनी चाहिए। दिल्ली के सरबजीत पर जब एक महिला ने झूठा आरोप लगाया था कि उसने उसको मॉलेस्ट किया था, तो महज कुछ ही सेकंडों, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में मीडिया ने उसको दिल्ली का दरिंदा नाम दे दिया। कोई जांच नहीं, नथिंग। लेकिन प्रियदर्शनी के केस में मीडिया ऐसे बच रहा है जैसे क्या ही हुआ। और ये गुड़, मक्खन, दही, मीठा मीठा रसगुल्ला खाकर बैठे एंकर उससे मीठी मीठी बातें करते, मुझको समझ नहीं आता व्हाट्स गोइंग ऑन। दर्शकों, यही समस्या है। एंड आई कांट एक्सप्रेस माय एंगर टुनाइट। दर्शकों, मुझे मेरी टीम कहती है, सर ये तो आए दिन होता, ये तो आम बात,
बस वहीं से मैंने फैसला कर लिया है कि इस मुद्दे को यूं ही शांत नहीं होने देंगे। रोज उस रिपोर्ट को भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे सूडो फेमिनिज्म इस देश में सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। क्यों पुरुषों को लेकर वो बात नहीं होती, वैसा कैंपेन नहीं होता। मुझको कल से हजारों मैसेजेस आए हैं कि हमको दिखाइए, हमारे ऊपर गलत आरोप लगाए गए। मैंने उनको कहा कि पुलिस के पास जाएं, तो कहते हैं कि पुलिस हमारी नहीं सुनती। मतलब कानूनों का गलत इस्तेमाल कब तक किया जा सके? शादी का झांसा देकर रेप कर, कोई भी महिला रेप का केस लगवा रही है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है व्यूज। एंड मैं हमेशा से डिमांड करता रहा हूं कि रेप की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, लेकिन झूठा रेप केस लिखाने वाली महिलाएं बहुत बड़ी दोषी है। वो इस तरह के अन्य मामलों को भी कमजोर करती है। दर्शकों, आजादी के बाद से आज तक क्या आपने किसी महिला को देखा है कि वो रेप के केस में जेल गई हो क्योंकि उसके प्रेमी ने पुलिस में शिकायत की हो कि उस महिला ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और बाद में मना कर दिया, इसलिए उसको जेल में डाला। मतलब आए दिन लाखों ब्रेकअप होते हैं, लड़की लड़के को छोड़ देती है, लड़की लड़का को छोड़ देता है। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन लड़कियों महिलाओं के पास यह हथियार क्यों है कि वो मुकदमा कर सके? महिलाओं के पास यह हथियार क्यों है कि वो सड़क पर चलते हुए पुरुष को पीट सके और पुलिस वाले उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते? सबसे पहले तो लखनऊ वाले केस में स्टैचू बने उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर देना चाहिए जो वहां खड़े खड़े सब कुछ देख रहा है। वो मनोरंजन के लिए पुलिस सर्विस में आया है क्या? दिस इज माई क्वेश्चन। बाकी आप स्यूडो फेमिनिज्म को एक्सपोज करती हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। फेमिनिज्म, ये ऐसा शब्द जो ना सिर्फ आज की तारीख में कई लोगों के लिए सिर का दर्द बन चुका है, बल्कि अधिकतर लोगों को तो इसका असली मतलब भी नहीं पता। और मजेदार बात ये है कि इसमें उनका कोई दोष भी नहीं। आखिर इस फेमिनिज्म शब्द का राज पहले मुर्गी आया या फिर अंडे की ही तरह है, जिसमें लोग ये समझ ही नहीं पाते कि विरोध किस बात का करना है और किसका नहीं। और फिर इस शब्द का लोगों ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब इसके असली मतलब क्या है, ये खुद ही किसी रॉकेट साइंस की तरह का कठिन सवाल बन गया है। चलिए तो हम सारे झंझट को खत्म कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर फेमिनिज्म वास्तव में है क्या। आप तो जानते ही हैं कि ये स्त्री और पुरुष के बीच के प्राकृतिक अंतर को दरकिनार करते हुए समान अधिकारों की बात करता है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि चाहे जो भी हो जाए, पुरुष और महिला बराबर है। हालांकि ये उतना भी आसान नहीं है। कभी कभी जब महिलाएं बराबरी की बात करती हैं, तो ये भूल जाती हैं कि हर चीज हमारी ही सुविधा के अनुसार नहीं होगी। हमारी सुविधा अनुसार नियम और शर्तों को लागू नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए फेमिनिज्म शब्द का उपयोग करने से क्या साबित होता है? स्यूडो फेमिनिस्ट यानी आप फेमिनिस्ट होने का दिखावा करते हैं। हम यहाँ फेमिनाजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या बातें आपको दिखावटी फेमिनिस्ट बताती हैं, आइए जानते हैं। तो फेमिनिज्म का नाम पर फेक होना बंद होना होगा। फेमिनिज्म का दिखावा करने वाले कभी फेमिनिज्म वाले काम नहीं करते। बहुत मुमकिन है कि आपने शहर में हुए हर विरोध में हिस्सा लिया हो, गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए हो, लेकिन क्या इतने से आप एक फेमिनिस्ट हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ते और सिर्फ अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं, तो खुद ब खुद आप एक दिखावटी फेमिनिस्ट बन जाते हैं। आपको समान अधिकार चाहिए, है ना? तो फिर क्यों ना इस लड़ाई को हकीकत में लड़ा जाए। सिर्फ कहने भर के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ना असली लड़ाई नहीं होगी। गंदगी साफ करने के लिए आपको कीचड़ में उतरना होगा और उसे साफ करना होगा। अपने आसपास के सेक्सिज्म से आंखें मूंद लेना। अगर आप अपने परिवार में, यहाँ तक कि खुद में गहरे तक पैठ जमाए सेक्सिज्म की अनदेखी करते हैं, तो बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप दिखावटी फेमिनिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सेक्सिज्म आखिर है क्या। जब आपका बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त आपको कहते हैं कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए क्योंकि लड़कियां ड्राइव नहीं कर सकती, तो क्या आप उनका विरोध करते हैं, या फिर क्या आप ऐसी बातों को हंसी में उड़ा देती हैं या चुपचाप उनकी बात से सहमत हो जाती हैं? क्या आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम दिखती है? हम समझ सकते हैं कि ऐसी बात सिर्फ एक मजाक, जिसे मजाक के रूप में ही लिया जाना चाहिए।
लेकिन हम आपको साफ साफ बता देते हैं कि सेक्सिज्म कभी भी मजाकिया नहीं होता। जब आप ऐसी चीजों पर हंसते हैं तो दरअसल आप समाज की उस गहरी सोच में अपना योगदान करते हैं जिससे ये त्रस्त है, चाहे वो आपके माता पिता हो, भाई बहन, दोस्त या फिर खुद आप। सेक्सिज्म सेक्सिज्म ही होता है। आपको याद तो होगा ही जब इवांका ट्रंप ने महिलाओं के मुद्दे पर अपने पिता डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया था, तब बहुत गुस्सा आया होगा ना। इसलिए इवांका ट्रंप मत बनिए। सिर्फ फेमिनिज्म के नाम पर किसी भी बात पर उंगली ना उठाएं। मान लीजिए कि आपकी गर्ल गैंग ना सिर्फ इसलिए आपका मजाक बनाया क्योंकि आप सेक्सी कपड़े नहीं पहनती, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल भी सेक्सिस्ट बयान नहीं है। लेकिन अगर आपने उस बात को दिल पर ले लिया और जवाब में कहा लेकिन दोस्त ये फेमिनिज्म नहीं है, तो आपने अपना मजाक खुद ही बना लिया। आपको पता है कि ये सिर्फ एक फैशन के लिए सलाह थी। हो सकता है कि ये सलाह कुछ कठोर लहजे में दी गई हो, लेकिन इसका मकसद आपको नीचा दिखाना कतई नहीं था। चलिए हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। क्या आपने कभी किसी को किसी महिला का मजाक बनाने या उस पर भद्दे कमेंट करने के लिए झाड़ लगाई है, लेकिन शर्टलेस आदमियों के लिए खुद वही कमेंट आपने पास किए हो? अगर हाँ, तो यही होता है फेमिनिज्म का दिखावा करना। अगर आपको लगता है कि महिलाओं के शरीर को लेकर भद्दे कमेंट करना गलत है, तो उसी तरह पुरुषों के शरीर पर भी कमेंट करना गलत है। दूसरे की पसंद आपकी पसंद से ना मिले तो दिखती। एक मजबूत स्वतंत्र महिला होने का मतलब हम समझते हैं जो अपनी रोटी खुद कमाती है और इस पर गर्व करती है। लेकिन अगर कोई महिला गृहिणी होना चुनती है तो उसे एक कमतर महिला नहीं माना जा सकता। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप दूसरों के पसंद नापसंद के बिना पर उनके बारे में अपनी राय बनाते लगते। ये पूरी तरह से उनका फैसला है कि आपने लिए वो गृहिणी बनना पसंद करती है फिर या फिर एक कामकाजी महिला हो। सिर्फ इसलिए कि उसकी पसंद आपके पसंद से मेल नहीं खाती, वो गलत साबित नहीं हो जाती। आपको पता होगा कि हर किसी को अपना करियर बनाने लायक पढ़ाई नसीब हो जरूरी नहीं। कुछ लोग जितना चाहें उतनी पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन नौकरी करना नहीं चाहते, ये भी उनकी ही पसंद है। हाँ, अगर कोई उन्हें उनकी नौकरी छोड़ने के लिए विवश करता है तब दिक्कत है। पुरुषों के भी रेप होते हैं, ये बात मानने से इनकार करना ये भी दिखावटी फेमिनिज्म है। जी हाँ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि पुरुषों के भी बलात्कार होते हैं। भले ही कानून की नजरों में ये सच्चाई ना हो, लेकिन पीड़ित के लिए ये कड़वी सच्चाई है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यौन अपराध किसी जेंडर के द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। इसी तरह अगर कोई पुरुष रोता है या फिर अपनी भावनाओं को दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। आखिरकार हमारे यहाँ महिलाओं की तरह पुरुषों पर भी एक डिफाइंड तरीके से रहने और व्यवहार करने का दबाव होता है। इसलिए अगर कोई पुरुष संवेदनशील नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कमजोर है। वो भी हर इंसान की ही तरह आम इंसान है और उसे भी अपने ढंग से व्यवहार करने का पूरा अधिकार है। तो इसलिए अब आगे से आप पर पागल मत बनिए और फर्जी फेमिनिज्म के झंडे मत बुलंद कीजिए। इस शब्द को समझें, इसके बारे में थोड़ा पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे किसी हथियार की तरह प्रयोग ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो व्यूअर्स, हमारी रिपोर्ट थी जिसको आपने देखा। हमने ये समझाने की कोशिश की कि मूल मुद्दा सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है, मुद्दा कहीं और से। हमको रूट से लड़ना है, हमको बेस से लड़ना है, हमको उस चीज से लड़ना है जहां से इसकी शुरुआत होती है। एंड वील फाइट एंड आई एम प्रॉमिसिंग यू टुनाइट दैट वील विन। दर्शकों, ये मुद्दा दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और इसके चलते आधी आबादी परेशान है। हमको लड़ना होगा। वी कांट सिट बैक एंड जस्ट स्लीप, वी हैव टू वेक। एंड आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट पुट इट डाउन। I'm going to lead the mission. I'm going to lead the campaign. And tonight I want to say this to you all, my viewers, that I'm going to lead this war against the hypocrisy. I want to go and lead this war against fake facts. दर्शकों, प्रियदर्शनी से कल हम बात करने वाले हैं, कल हम इंटरव्यू करने वाले हैं। उनसे जो सवाल असली वो पूछे और उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। कल आप हमसे एक बार फिर जुड़िएगा और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक पत्रकार असली सवाल पूछता है। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड नाइट।